वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ मेथी का पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट है और बिल्कुल पतली और नरम है ये पराठा। इसको लंबे समय तक रख दीजिए, बहुत ही सॉफ्ट बनी रहेगी और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए ना, जो मेथी है उनकी पत्तियों को तोड़ लीजिए और इनको हम नमक के पानी में भिगो कर रखेंगे। पहले इसमें पानी डालना है और एक बड़ा चम्मच नमक डाल दें और इनको भिगो कर रख दीजिए 5 मिनट के लिए। इससे क्या है, इसमें जो छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल ये मेथी की पत्तियाँ हमारे खाने के लिए बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। और इसके बाद मेथी को अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लीजिए और पानी को छान कर छन्नी में रख दीजिए। और जब पानी निकल जाए तब इनको काट के हम पराठा बनाएंगे और बिल्कुल बारीक काटेंगे, पत्तियां बड़ी बड़ी ना रहें, छोटी रहेंगी तो बहुत अच्छा पराठा बनता है, सॉफ्ट बनता है। अब इन पत्तियों को काटने के तुरंत बाद हम इसको आटा तैयार करेंगे। इसका एक बाउल में ले लेंगे और इसमें लेंगे नमक स्वाद के अनुसार, मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच अजवाइन, और मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी ले ली हैं, यानी 20-25 कलियाँ हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, इसको बारीक काट कर ले लीजिए, और 4 से 5 हरी मिर्च, या जैसा तीखा खाना पसंद करें उनको पेस्ट बना लीजिए या कूट लीजिए, और इनको हम इसी मेथी में डाल देंगे। साथ में मिलेंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग और यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है और इनको मिक्स करेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, सबसे पहले हम पत्तियों को आटे में मिक्स करेंगे। इससे क्या है ना, पत्तियों में जो थोड़ा पानी रहता है वो आटे में चला जाएगा और इससे हमको पता चलेगा कि कितना पानी हमको मिलाना है। और थोड़ा पानी छिड़कते हुए आटे को इकट्ठा कर लें, बिल्कुल टाइट आटा बनाना है, बिल्कुल सख्त है, और इस तरह से आटे को पूरा इकट्ठा कर लीजिए। और अभी देखिए आटा मेरा इकट्ठा हो गया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 1 बड़ा चम्मच तेल लीजिए, थोड़ा सा आटे के ऊपर डालिए, थोड़ा हाथ में लीजिए और पूरे बाउल में ऐसे मिक्स करके आटे को इकट्ठा कर लीजिए। बड़ी आसानी से आटा इकट्ठा हो जाएगा और हाथ में भी नहीं लगता है आटा चिपकता है और बाउल में भी नहीं चिपकता है, बहुत चिकना हो जाता है। और इनको थोड़ा सा हम गूंथ लेंगे, ये सख्ती आटा बनाएंगे, और इसके बाद थोड़ा ढक के रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ज़्यादा समय तक नहीं ढक के रखना है। इसके बाद ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, आप देख रहे हैं, और थोड़ा नरम भी होगा क्योंकि इसमें नमक पड़ा है ना, तो पत्तियों में से जो पानी है वो खींच लिया है। तो इसमें थोड़ा सूखा आटा डाल के इसको थोड़ा सा सुखा लीजिए, थोड़ा सख्त बना लीजिए, नहीं तो इसकी रोटियाँ नहीं बनेंगी अच्छे से। और अभी देखिए आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया जैसा हमें चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि मेथी की पत्तियों को काट कर ज़्यादा देर तक ना रखें, नहीं तो उसमें कड़वापन आ जाता है। मेथी की पत्तियों को तुरंत काटिए, तुरंत पराठा बनाइए और इससे बहुत अच्छा बनेगा पराठा। और अभी मेरा आटा थोड़ा सा नरम है तो मैंने थोड़ा और आटा मिला लिया है सूखा वाला, और इससे बिल्कुल अच्छा डो तैयार हो जाएगा, जैसा रोटी का डो होता है ना बिल्कुल वैसा ही, कि बेलने में आसानी हो। और अभी देखिए मेरा डो अच्छा तैयार हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। अब छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे, रोटी के बराबर जैसा बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी ले लें, या जैसा, क्योंकि इस आटे से आप जितनी पतली चाहें मेथी का पराठा बना सकते हैं, और जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक साधारण रोटी बराबर मैंने पराठा बेल लिया है और ये रोटी से थोड़ा सा मोटा रहेगा, बिल्कुल जरा सा। और अब इस रोटी को जैसा आप पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही सेक लीजिए, दोनों तरफ से तेल लगाकर उलट पलट कर सेक लीजिए। ये बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि बहुत ही पतला है, तो पकने में टाइम नहीं लगता है, और तेल जब लग जाता है तो पकने में और आसानी हो जाता है। और ये जब पराठा गर्म रहेगा तो हल्का क्रिस्पी रहता है, और जब इसे आप बना कर रख दीजिए तो बेहद ही नरम बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। इसे आप हरी चटनी के साथ, दही के साथ, या किसी करी के साथ जैसा भी सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी पराठा है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।